दोस्तों, हम सभी लोग डेली लाइफ में यूपीआई का यूज़ तो करते ही हैं, और अभी के टाइम तो यूपीआई भाई एक कदम आगे निकल चुका है। पहले जहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू ही लिंक करके हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे, अब के समय में क्रेडिट कार्ड यानी कि रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जी हम आप लोग को 2024 के दो ऐसे बेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन बताने वाले हैं, जिसके थ्रू अगर आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर आप लोग को भर भर के मोस्टली जितने भी ट्रांजेक्शन आप लोग करोगे ना, सारे के सारे ट्रांजेक्शन में आप लोगों को कैशबैक देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही दो बेस्ट यूपीआई के लिए क्रेडिट कार्ड यानी कि रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आप लोग को बताने वाले। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप लोग के बिल्कुल फायदे का सौदा साबित हो सकता है ये वीडियो। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सच बताना, अभी के टाइम अगर आप लोग यूपीआई एप्लीकेशन जो कोई सा भी यूज करते हो उसके थ्रू अगर आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कैशबैक देखने को मिलता है? नहीं ना भाई, कहीं अगर 100 ट्रांजेक्शन कर ले तो उसमें एक आधा बार आप लोग को कोई कैशबैक देखने को मिल जाता है। अगर हमेशा मिलता होगा या फिर ज़्यादा मोस्टली जो ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलते होंगे वो मिलते होंगे भाई आपको वाउचर्स, जो कि यूजलेस वाउचर्स होंगे, उसका कोई भी यूज नहीं होता होगा, है ना। लेकिन भाई क्रेड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको पिछले 2 सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू जितनी बार भी ट्रांजेक्शन करोगे उतनी बार आप लोग को कैशबैक देखने को मिलेगा। मोस्टली जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे सारे ट्रांजेक्शन पे आप लोग को कैशबैक देखने को मिलेगा। तो नंबर एक पे आता है कैशबैक की श्रेणी में क्रेड एप्लीकेशन। तो आप लोग अगर क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई अभी तक नहीं करते हो तो भाई आप लोग भी क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई करना स्टार्ट कर दो। और वैसे भी जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के लिए मोस्टली लोग क्रेडिट एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ बिल जमा करने के लिए। यूपीआई का इस्तेमाल क्रेडिट एप्लीकेशन में अभी बहुत सारे लोग नहीं करते। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूपीआई एप्लीकेशन या सॉरी यूपीआई आईडी नहीं बनाई है क्रेडिट एप्लीकेशन पे, तो उसको कैसे बनाया जाता है, बैंक अकाउंट कैसे लिंक किया जाता है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हो। देन आप लोग क्रेडिट एप्लीकेशन पे अपनी यूपीआई आईडी बनाकर यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और जो लोग भी अभी तक क्रेड एप्लीकेशन बिल्कुल इंस्टॉल ही नहीं किए हैं उन लोगों के लिए भी क्रेड एप्लीकेशन का लिंक नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करके आप लोग क्रेड एप्लीकेशन पे अपनी सबसे पहले आईडी बना लेना, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट लिंक करके यूपीआई आईडी भी बना सकते हो, तो है ना। तो भाई क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर आप लोग को भर भर के कैशबैक देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया बैंक अकाउंट लिंक करके क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू कैसे आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो। अगर आप लोग के पास कोई सा भी यूपीआई सॉरी रुपे क्रेडिट कार्ड है ना, तो उसको भी लिंक करके आप लोग क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि जो बेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो की शुरुआत में बेस्ट आप लोग को दो बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड भी बताएंगे जो कि अभी के टाइम यूपीआई के लिए बेस्ट चल रहे हैं। तो भाई ये नंबर एक पे आपका आता है ये टाटा नियो का क्रेडिट कार्ड, तो इसको भी आप लोग ले सकते हो। अगर अभी तक आपने इसको नहीं बनवाया तो जरूर बनवा लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ कैसे आप लोग को इसको अप्लाई करना है, तो है ना। तो क्रेडिट एप्लीकेशन अगर आप लोग के पास कोई ऐसा भी रुपे क्रेडिट कार्ड है तो उसको भी आप लोग लिंक करके अपना यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो और भर भर के कैशबैक ले सकते हो। तो अभी तक मैंने आप लोग को बताया बेस्ट कैटेगरी में यूपीआई एप्लीकेशन के लिए नंबर एक पे है भाई क्रेड, और इसके साथ ही यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड नंबर एक पे है ये आपका टाटा नियो का एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। अब आप लोग को दूसरे नंबर का बताते हैं कि कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन और क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। तो नंबर दो पे जो यूपीआई के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड अभी के टाइम ट्रेंड कर रहा है वो है भाई कीवी क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड। तो ये भी रुपए नेटवर्क पे मौजूद है और ये सिर्फ वर्चुअल ही आप लोग को मिलेगा, फिजिकल क्रेडिट कार्ड वो आप लोग को नहीं मिलेगा। तो उसको भी कैसे, अगर आप लोग को अभी तक कीवी क्रेडिट कार्ड आपने नहीं बनवाया तो उसको भी कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो कीवी क्रेडिट कार्ड के थ्रू जितनी भी बार भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे जितने जो 50 रुपीज के ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ पे आप लोग को 1 कीवी पॉइंट मिलेंगे। इसके आते 100 रुपीज ट्रांजेक्शन पे आप लोग को 2 कीवी पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 50 रुपीज पे 1 कीवी पॉइंट और 100 रुपीज पे आप लोग को 100 रुपीज के ट्रांजेक्शन पे 2 कीवी पॉइंट मिलते हैं। इसके आते अगर आप लोग कीवी एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट लिंक करके भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो वहाँ पे भी आप लोग को कैशबैक देखने को
मिलेंगे। कीवी एप्लीकेशन और कीवी क्रेडिट कार्ड पिछले 4-5 महीनों से मैं यूज कर रहा हूँ और भाई आपको बिलीव नहीं होगा, पिछले 4-5 महीनों में करीब मैंने 3,000 रुपये कैशबैक अभी रिसीव कर चुके हैं, जबकि बहुत ही कम ही यूज करता हूँ कीवी, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट 3-4 हो गए हैं, तो वहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा करके यूज करना होता है, तो भाई उतना यूज नहीं हो पाता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर देना, इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके, है ना भाई। क्योंकि यार अगर हम कुछ स्पेंड करते हैं तो उसमें उसी स्पेंडिंग में ही अगर हमें कुछ रिटर्न में मिल जाता है तो उस समय हमें भाई कितनी ज़्यादा खुशी होती है, नाले पर दाला वाला सीन शॉर्ट हो जाता है, तो शेयर जरूर करना। इसके साथ इसी तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, है ना। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।